नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, भगवान राम के बारे में तो आप सब कुछ जानते ही होंगे। भगवान राम जी लक्ष्मण जी को बहुत प्रेम करते थे, पर ऐसा क्या हो गया जो राम जी ने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दे दिया? आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आए और अयोध्या के राजा बन गए। एक दिन यम देवता तपस्वी का रूप धारण कर चर्चा करने के लिए प्रभु राम के पास अयोध्या आए। उन्होंने भगवान राम से एकांत में बात करने की इच्छा जताई और कहा कि जो कोई मुझे देख लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु आपके समक्ष यह संभव नहीं है, तो आप ये निश्चय कीजिए कि जो भी हम दोनों को देख लेगा वह मारा जाएगा। उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान राम ने यमराज को ऐसा वचन दे दिया। राम ने लक्ष्मण जी को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर दिया कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर ना आने दे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीता कि वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा, तो लक्ष्मण जी ने विनम्रता के साथ मना कर दिया और लक्ष्मण ने उन्हें कहा कि आपको जो भी काम है आप मुझसे कह दें, मैं वो काम पूरा करने का प्रयास करूंगा। इतना सुनते ही दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को शाप देने की बात कह डाली। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें रामाज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के शाप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही ये निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के शाप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की, परंतु अब प्रभु राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दें, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में भगवान राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण जी का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। इस प्रकार लक्ष्मण ने जल समाधि लेकर अपने आप ही शरीर का त्याग कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय श्री राम।